सबके साथ सेम हियर इट्स मी सैरिश मैं है सलीमा सो आज हम काफी यूनिक गाने पे हम रिएक्शन देने वाले हैं जिसने गाए हैं 14 सॉन्ग्स एक साथ बीट पर यार इट्स अमेजिंग यार मतलब इतना टैलेंटेड लोग हैं यार जो इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं मतलब हम देख रहे हैं जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी उसके साथ साथ लोग टैलेंट भी बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं एक तरह से अचानक निकलता है वाओ सो ये जो गाना है काफी सारे रिक्वेस्ट पे है और महक ने हमें खुद ही बोला है प्लीज इस पे रिएक्शन दो काफी अच्छा है तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में मैंने तो इसका सॉन्ग है ना ये 14 सॉन्ग्स विद वन बीट वाला ये मैं बार बार सुनती रहती हूँ काफी अच्छा मैशअप है लाइक अगर आप सॉन्ग्स ड्राइव भी कर रहे हो तो ये सुनो तो आपको बहुत मजा आएगा ड्राइव करने में भी तो ये फ्लैशअप है बाय नॉक्स आर्टिस्ट ही ये आई थिंक सो बहुत ही ज्यादा फेमस है बंदा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और सॉन्ग को एंजॉय करते हैं 106.2 Big FM के स्टूडियोस में हैं हम अभी मैं हूं एमजे अर्पित मेरे साथ है प्रीति एंड मेरे साथ है टैलेंटेड मैन नॉक्स आर्टिस्ट नो डाउट दिस इज सॉन्ग एक बीट पे गाना बहुत मुश्किल है चैलेंज है नॉक्स में उन्होंने ये कहा है कि वो एक बीट पर बहुत सारे गाने गाने वाले हैं यू थिंक दैट्स गोना हैपन बट वी लाइक टू गिव हिम I think it will not happen just because we are giving him the song. Let's see. Okay. Oh, ye to denge. Mere piche sare ladke kare track down. Got to get me in your hometown. And you repeat this with me track down. Toh kar thoda chill just calm down. Oh yeah. Mere level up brown boy. Kitna enjoy karega. Ha. Please mera padta hai tu na sarta hai teri galti ke tu bhul to se ladta hai. Oh. Sir se mera kaam. मुश्किल है तेरा लाना मेरा जैसा नाम तू कर ले आराम विद योर मनी एंड योर चार्म बेटा एक दिन तू भी मुझे ठोकेगा सलाम दुनिया रखो जू तुम्हें नीचे No, I'm serious. मैं क्या था? No. Okay.
था क्या वैसे? वेल लॉर्ड यार बहुत अच्छा था, थैंक यू मैक, तुमने बताया, हमें सजेस्ट किया और हमने सुना एंड सीरियसली हमने बहुत एंजॉय किया. मैशअप तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, मजा आता है सुनना यार. बट काफी ज्यादा जिस तरह वो लोग एक एक गाना दे रहे थे, ठीक है, एक जब गाना आप रिसीव होते हो तो थोड़ा लिटिल कंफ्यूज हो जाते हो कि इसके में कैसे मिला. उसके फेस पे जो स्माइल थी उससे मालूम पड़ा था कि अपना कॉन्फिडेंट फेस पे ही वो शो कर रहा था एंड देन वो अपना स्टार्ट कर रहा था. मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि एक समटाइम्स होता है ना आप कोई देता है तो थोड़ा लिटिल कंफ्यूज हो जाता है कि यार अच्छा ये इसको इसमें डालना है, याद करना लाइंस को पूरा लाइक मतलब और लिप्स पे लाना. चलो गाना समझ में आ गया ठीक है वो गाना गा रहे पर उस चीज को बीट पे लेकर आना खुद गाना आवाज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है. मतलब एक साथ आपको 14 सॉन्ग्स देते तो आपको डिफिकल्ट लगता है. तो मैं बोलूँ उस बंदे में बाकी बहुत ज्यादा टैलेंट है इस तरह, क्योंकि लोगों को ना समटाइम्स इसको वीडियो बनानी पड़ती है किसी ऐप से या कोई किसी चीज से या सॉफ्टवेयर से, पर एक ऐसा बंदा है जो खुद ही बना रहा है ठीक है. तो ये मतलब आगे भी गाने में खुद ही मैचअप कर ही सकता है, उसको जरूरत ही नहीं कोई टेक्नोलॉजी की. सो मुझे तो मैं तो सुनती रहती हूँ उसके गाने तो मुझे बहुत. वैसे लड़के का नाम क्या था? नॉक्स नाम है ना उसका, इस लड़के का जो गा रहा था. ओके आप मुझे लगा उसका शायद पूरा जो काम कर रहे हैं उसका शायद. सीरियसली मैंने कभी नहीं सुना, ना मैं नाम सुना ना मैंने कभी ना इसकी रिक्वेस्ट भी इतनी नहीं आई जितनी हम उसपे देखिए जरा. बट मैं सीरियसली थैंक्स टू मैं है कि उसने इतनी अच्छी हमको बताई कि हमें और भी सुनने और देखने में लोगों का टैलेंट देखने में आपको प्रेजेंट करने में हमको मजा आ रहा है कि लोगों के टैलेंट इस तरह हम दिखा रहे हैं लोगों को. वैसे आप लोगों हमें कमेंट्स में बताना है कि इसने कौन सा ऐसा गाना बोला था जो इसने मना कर दिया. सो कैन यू गाइस गेस दिस वन? सवाल होगा प्लीज आप कमेंट करो, मुझे भी दिख रहा है यार. क्या पूछ रही हूँ जब से मैंने गाना सुना है यार ये कौन सा गाना होगा. तो फिर क्या करोगे अगर कोई अगर सही जवाब दे देता है? तुम वैसे तुम्हें खुद ही पता है. मुझे भी नहीं पता ना, तो मैं भी पूरी क्यूरियोसिटी में कैसे पता चलेगा उनको क्या पता. सबके अपने अपने देखते हैं क्या सब कमेंट्स में बताते हैं. उसके प्लेस में क्या मिलेगा उन लोगों को? मिलेगा कुछ आपको कमेंट करने की महक ने बोल दिया है तो. और इस तरह हमारा रिएक्शन देखते रहो गाइस, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.